कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आखिर वो सम्मान अपने लिए पीएम मोदी से वापस ले लिया जिसका वो खुद को हकदार समझते रहे। ओम बिरला चुने गए स्पीकर तो लोकसभा में दिखी बेहद खास तस्वीर, पीएम मोदी और राहुल गांधी आए साथ। ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए, पीएम मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और एनडीए के सभी सांसदों ने इसका सपोर्ट किया। ध्वनि मत से प्रस्ताव पर वोटिंग हुई जिसमें ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। इस दौरान बेहद खास तस्वीर सामने आई जब पीएम मोदी खुद ओम बिरला के पास पहुंचे और हाथ मिलाया। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को भी बुलाया गया और हाथ मिलाया। फिर राहुल गांधी ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई देने पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने भी ओम बिरला से हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ओम बिरला को स्पीकर पद के आसन तक लेकर गए। ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। इससे पहले लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ताधारी एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया था। विपक्ष की ओर से के सुरेश को कैंडिडेट घोषित किया गया था, उन्होंने नामांकन भी किया। हालांकि 26 जून को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर ध्वनि मत से ओम बिरला के नाम पर मोहर लगी। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन राजनाथ सिंह समेत एनडीए के सभी बड़े नेता ने किया। इसके बाद एनडीए सांसदों के सपोर्ट से ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। हमारा यह संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे।